हाय गाइज वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यू रोड एंड न्यू डिस्टेंस मुझ जगन्नाथ आपण मानी नहीं नूतन वीडियो यही वीडियो रे मु आपण मानकु अलेख महिमा पीठ ब्रह्मपुरा विषय डिटेल्स जनइबी एवं एठार थियो प्राकृतिक सौंदर्य को मध्य आपनकु देखेबी। चलंतु वीडियो टिकु आरंभ करिबा। वर्तमान मु अछि अलेख महिमा पीठ ब्रह्मपुर ठारे। आज मु आपनकु एही अलेख महिमा पीठ विषय डिटेल्स जनइबी एवं एठार थियो प्राकृतिक सौंदर्य विषय डिटेल्स जनइबी। किंतु अलेखमय पीठ को जीवा पूर्वरु एठी जने मोर भाई के साथ देखा हला आसंतु जानी नेबा सेई पीठ विषय रे किछ कथा। हमर ये बहुत पूर्वतन मंदिर हमर बाबा भी रहउछंती दुई तीन मूर्ति रहउछंती बाबा रहउछंती आउ कोन जानिया पई चाहते आउ मंदिर विषय रे एठी केमदि माने पर्यटन पर्यटन बहुत बहुत जगह आसुंती कोरापुट नवरंगपुर ত্রয়োদশী চতুর্দশী পূর্ণিমা তিন দিন जा भाई ठार कि कथा शुनि बहुत खुशी लगला। तो थैंक यू भाई। थैंक यू। अलेखमय पीठर एंट्री गेट आसतु भितर को एंट्री करवा। बर्तमान मुझे अलेखमय पीठ ठारे आसतु। बर्तमान आम यही पीठटीर प्राकृतिक सौंदर्य केमती अच्छी एवं एठार जो सब बाबा माने अछंती तांको ठारो किछि कथा मध्ये आमे सुनी नेबा एवं एही मठटी केबे तयार हेथिला मठर इतिहास कोन से विषय रे आमे डिटेल्स जान नेबा। आसंतु आमे भिडियोटी को आरंभ करिबा। आसंतु वर्तमान मुझे आमर अलेख महिमा धर्म बाबा बाबा आप ना कौन साधु बैष्णवचरण दास। साधु बैष्णवचरण दास मोर देखाठा को आसापर तो आम वर्तमान बाबा सहित टोटाल मठटी को आम बुलवा एवं ये मठ विषय डिटेल्स आम जानवा। आसतु तक सहित आरंभ करवा आमर यात्रा। आसतु बहुत मान लोक आस सबुद भी बहुत लोक दर्शन करने आसक स्थान विभिन्न प्रकार प्रोग्राम हुए सब मस प्रोग्राम चली यज्ञ हुए प्लस बाहर भी मजे मजे हुए हाँ ये चार दिन आठ दिन पूर्व बाहर होता दीटा बाहर हुए ब्रह्म बहुत करा जाए यज्ञ सब हाँ यज्ञ हुए कार्तिक मस वैशाख मस माघ मस आ अन्य समय मध्ये जे भक्त मन आसंती यदि दार कल्पना थिवो तेडे मध्ये यज्ञ करा जाय। अच्छा इटा केते ऊपर गुणिया में जीवा
शिलावती मंदिर सब या आगु दजार जो थे अंजलि बेहरा मंत्री सी सांसन कर सत कि संपूर्ण करंडे खंडे बर्तमान भांगी सारे बाड़ भांगी जाटा मैंने गच सुरक्षा हो पार नहीं पवन भांगी जा पवन पड़ी भांग छड़ जो दिखाई से माड़ गले भांगी जा बाबा मोटे ए बर्तन आसी षोह मसीह आसी ए जन सी साधु थे चलीगला अंत मुसी आगर भी थी कि मझे पल तीन जन थू आम बर्तमान दिज आउ जे बाबा जालचर जारी से ना ये बर्तमान पहुँची गले हाँ यहाँ पहाड़ उपरटा मंदिर आरंभ हो तले गोटे मंदिर अच्छी गोटे यहाँ एक सीता मंदिर तागड़ा अच्छे धोनी मंदिर ये मंदिर बाबा कौन ये फास्ट ये धोनी कराई फास्ट धोनी कराई मैंने आज कि चालीस पचास वर्ष धोनी चालीस पचास वर्ष ये धोनी से उपर जो आगे मंदिर ताकि सी गंजाम मर्मल जो भक्त सी या से कहला मोटे मंदिर या गोटे अधाई से संपूर्ण पुणी याला यही धोनी मंदिर हेठीगला धोनी उठे दिगला चलते देखी ना से मंदिर कमी इठारे पिकनिक फिकनिक आसती नुआ वर्ष को तीन चार दिन लगातार फिस्ट हुए स्कूल आसिक फिस्ट करती जो बाह मंदिर शिशु मंदिर से समस्त आस पार दु वर्ष आसा बाबा मुख्य मंदिर हाँ यहाँ ये हूँ गादी मंदिर सी हूँ धोनी मंदिर आठा प्रभु प्रभु अच्छी भेकवाना महिला स्वामी भेकवाना बेतवाड़ी अच्छी ये तले बाबा गादी मंदिर ना हाँ ये कौन सब कौन हुए मानते कौन सब अच्छी ये ये प्रभु जो आसी प्रथम अठारह सौ अड़सठ ख्रीटाब्दे आसिक विराजन महास्वामी हाँ ये फास्ट थे आसिक एक हजार टुंगी निर्माण करते एक हाथिया टुंगी एक हजार टुंगी जो फास्ट निर्माण करते कि गाँव रणे प्रधान आज्ञा नाम सब मुझे मन ना कहले सी कि फास्ट ये कहले पहाड़ पर प्रभु आज्ञा अच्छी टुंगी हम आज्ञा से महिमा स्वामी आज्ञा टुंगी याला आश्विन मास चतुर्थी दिन ही प्रतिष्ठित होता अठरश अड़सठ ख्रीटाब्दे प्रतिष्ठा होता अठारश अड़सठ ख्रीटाब्दे प्रतिष्ठा आई प्रभु से गले अवस्था रात एगारटा बारटा समय पाखे जो शिष्य जो कहते प्रभु शिष्य नंद बाबा थे रात मान पाद अंचला कला समय कहले जो देख तो कतटा समय है से समय तो घंटा किसी ना मैंने बाहर को आसिक तारा नक्षत्र मान कह देखिक मैंने समय को गणना कराला से समय देखले पूर्व दिगरे गोटे सूर्य उदित हो कहले स्वामी की जाकि से कहे के सकाल पाली कौन सूर्य उदय होती ना ना राति है अधरात कौन सूर्य उदय आउ थे देखो से आउ थे देखा पुणी दुईटा एमती बारंबार बारटा सूर्य उदित होते बारटी सूर्य उदित से प्रभु आसिक निजे देखे विराम कले संभव सत कि मिश बोलिक आज देखा बारटा सूर्य उदय प्रभु से अंतर्ध्यान हो गले दृश्य होता है सूर्य दृश्यमान बर्तमान आम गादी मंदिर विषय डिटेल्स जाणीगले चलतु जाणी ना धोनी मंदिर विषय जोटा कि आर पाखे अच्छी चलतु देखने धोनी मंदिर टी के किसी जाणीने आसतु जहाँ बहुत सुंदर लगुच परेशा बहुत सुंदर परेश प्रभु जो जंगल अच्छी चार बेटा आज्ञा हिंदोल राजा ही जंगल ही हाँ हिंदोल राजा हाँ प्रभु जो ये थे हिंदोल राजा को निर्देश होता है आसपा आज्ञा से कहले कहले के जमी बा के पड़ा देवा लगे से कहे मुझे जमी बा पड़ा ने मोर ये जो धोनी अनाहत धोनी अच्छी से लगे मोर पहाड़ दरकार गच्छा दरकार से जंगलटा ही रेकर्ड हो प्रभु ना बावन एकर अवश्य रेकर्ड होनी
45 ଏକର ରହିଛି। ହଁ ହଁ ଜଙ୍ଗଲ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଛି, ଜଗତ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୁରକ୍ଷା। ଏଇ ଗାଁ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ କାଟିକି ମାନେ ଗଛ ଏଇ ଧ୍ୱନିରେ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଧ୍ୱନିରେ ଲାଗୁଛି ଗଛ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗଛ କାଟିକି ଧ୍ୱନି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଏଇଠି କ'ଣ ଏଇଟା? ଏଇଟା ଭଜନ ମଣ୍ଡପ, ଭକ୍ତ ଆସିଲେ ଅଧିକା ସମୟରେ ଏଠି ଭଜନ କରାଯାଏ। ଭଜନ କରାଯାଏ ଏଠି, ଏଇଟା ଭଜନ ମଣ୍ଡପ। ଏଇଟା କେଉଁ ସମୟରେ ସବୁ ଆସନ୍ତି ଭଜନ ଏମିତି କରନ୍ତି? ଭଜନ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଭଜେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ, ମାଘ ମାସରେ, ବୈଶାଖ ମାସରେ, ବା ଯେଉଁ ନବାନ୍ନ ଆମର କରାଯାଏ ଭାଦ୍ର ମାସରେ ଭଜନ କରନ୍ତି ଆଉ। ଆଚ୍ଛା 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 ଫଙ୍କସନ୍ ହୁଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ଠାରେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କଥା। ବାବା ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ସେ ସମୟରେ ଧ୍ୱନିରେ ପାଣି ଆହୁତି କରାଯାଏ ଆଜ୍ଞା, ସେତେବେଳେ ଘିଅ ନଥିଲା। ଆଚ୍ଛା ଜଗଦ୍ଧ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଲାଗି ଯାହା କଳ୍ପନା କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲାଗି ଧ୍ୱନିରେ ଆହୁତି କରାଯାଏ, ପାଣି ଦିଆଯାଏ। ଆଚ୍ଛା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପାଣି ଦିଆଯାଉନି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ଲୋକ ହେଲେ ଅଧିକା ଲୋକ ଆସିଲେ ସେଠାରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କହିଲେ ଘୋତାହତି କରାଯାଉ ଏବଂ ଜଗତ ଭକ୍ତ ସମସ୍ତେ ଆଣିକି ଘିଅ ଦେଲେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ବିଶ୍ୱରୋହଣ ରକ୍ଷା ଲାଗି ଏଇଠି ପ୍ରଭୁ ଆଣିକି ଘୋତାହତି କରାଗଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ସେଦିନଠୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ଘିଅ ବା ମଇଁଷି ଘିଅ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଘିଅ ବ୍ୟତୀତ ଗୁଆ ଘିଅ ମଇଁଷି ଘିଅ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଘିଅ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ବାବା ଏଇ ମନ୍ଦିରଟିର ନାଁ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ବୋଲି କାହିଁକି କୁହାଯାଉଛି? ଏଇଟା ରହିଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର 1868 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରୁ ଏ ଅନାଥ ଧ୍ୱନି ରଖାଯାଇଛି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ। ସେଇ ଧ୍ୱନିରେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ବା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ ଲାଗି ଘୃତାହତି କରାଯାଉଛି, ତାକୁ ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ। ଧ୍ୱନି ଆହୁତି ଚାଲିଯିବା 360 ଦିନ ଯାକ, 360 ଦିନ ଯାକ ହଁ ଧ୍ୱନି କେବେ ବନ୍ଦ ହେବନି। ଧ୍ୱନି ସଦାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଘୃତାହତି 3 ଟାଇମ୍ ଘୃତାହତି କରାଯାଉଛି, ରାତି 3:30 ବଜେ, ତା'ପରେ ସକାଳ 10:30 ବଜେ, ପୁଣି ଦିନ 3:30 ବଜେ, 3 ଟାଇମ୍ ସୁପରିଚାଳନା ନୀତି ପରିଚାଳନା କରାହେଉଛି। ଏ ନୀତି ସମୟରେ ଘୃତାହତି କରାହେଉଛି ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଆଉ ବିଶ୍ୱବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ଲାଗି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତ ସବୁଦିନ ଆପଣମାନେ ତାହେଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଏମିତି ସବୁ ମାନେ? ହଁ ନାଇଁ ସକାଳୁ ନୁହେଁ, ରାତି ତିନିରୁ ଉଠିକି 4 ବାଜିନଥିବ ଆସିକି ଉପରେ ନୀତି ସୁପରିଚାଳନା ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ନୀତିକୁ ସରିଲା ପରେ ଏଠି ଦର୍ଶନ କରିକି ଆମେ ସକାଳୁ ପୁଣି ତଳ ଘର ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ରଖାଯାଇଛି ଆଶ୍ରମ, ସେ ଆଶ୍ରମ ଯାଇକି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଜଳପାନ କରିକି ରହିବୁ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜାଣିନେବା ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନେବା। ଏଇ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ମହିମା ସ୍ୱାମୀ ଥିଲେ ସେ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ଜନ କୁଳଧର ବାବା ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଯୋଗାଇଦେଲେ ଏଇ ଅନାହତ ଧ୍ୱନିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବ ଏବଂ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ଲାଗି ଘୃତାହୁତି କରିବ। ତା ସହିତ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ଝାମ୍ପି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଠି ଅଛି, ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ ବକଳ ଭେକବାନା ତାକୁ ହିଁ ରଖାଯାଇଛି, ଆଉ ତାଙ୍କର ବେତ ଅଛି ଆଉ ଅନାହତ ଧ୍ୱନି ଅଛି। ଏଇ 4ଟି ଅସ୍ତ୍ର ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାହୋଇଛି। ଏହା ନା ଏଇ ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର ହିଁ ରଖାହୋଇଛି ଏବଂ ଧ୍ୱନି ସେଥିପାଇଁ 3 ଟାଇମ୍ ନୀତି ପରିଚାଳନା ସୁପରିଚାଳନା ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ତ ବାବା ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ବି ସେଇଗୁଡ଼ା ଦେଖିପାରିବେ ନା କ'ଣ? ହଁ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ନୀତି ଟାଇମ୍ରେ ବା ଟାଇମ୍ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଦୃଶ୍ୟମାନ କରାଯିବ। ସମସ୍ତେ ତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୋଇପାରିବନି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଧର ପଦ୍ମପାଦ ଖଣ୍ଡିବେ କାଳ ବିପଦୀ ପରମାଦେ, ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ହିଁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବ, ନହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ହେଉଛି ଧ୍ୱନି ମନ୍ଦିର,
देखंतु मंदिर गुड़िक केते सुंदर देखा जाउछि, बहुत सुंदर लागुछि। मंदिर परिवेशटी मध्य बहुत सुंदर लगुच, मनमुग्धकर परिवेश। कारीगर माने मंदिर टी के सुंदर भाव गढ़ी, बहुत सुंदर भाव गढ़ी। एही मंदिर टी होचे गादी मंदिर। जगहटा बहुत सुंदर। वर्तमान चलांतु एही बाट देई आश्रम निकट को फेरी जीवा।
तो फाइनाली आम आश्रम आसी पहुँची गलु देखु ये हूँ आश्रम परिवेश देखु कैसे सुंदर सुंदर गच्छ लगी बहुत सुंदर सुंदर गच्छ यही आश्रम विभिन्न प्रकार औषधीय वृक्ष आपण को देखा मिल बर्तमान आम आसतु बाबा जाणी नवा महिमा स्वामी जे कि एठार बारटी सूर्य देखी थे आसतु जाणी नवा से विषय बाबा कि कथा महिमा स्वामी जेतबले से मंदिर रे सहे नथिले से समय रे नंदबाबा पाद मंचलना करथिले से समय रे रात्र 11टा समय हबो से समय रे बाबांकर निर्देशला जो देखियो केते समय हलाणी से नंदबाबा जाय कि देखिले बाहर को दे पूर्व दिगरे गोटे सूर्य उदित अछंती से आसी कहले बाबा ज्ञा सूर्य उदय हलाणी से कहले कोन सकाळ पाइलाणी कि ना नाई तो ना केमती है ना आउ थे देह गल तो देख से प्रभु निर्देश पाई नंद बाबा पुणी जो बाहर को गले पुणे आ गए सूर्य उदित होमती आसी कह रहे बारंबार बारंबार जाकि बारटा सूर्य उदित होता सी जो कहपर निजे प्रभु महिमास्वी आसिक देखला अंतर्ध्यान होते ये प्रभु बार सूर्य महिमास्वामी की पाइब नंद बाबा को दर्शन कर दे ब्रह्मपुर महिमा आश्रम ठारे ये हाँ हाँ तो जहा बहुत बढ़िया लगला बहुत सुंदर लगला जोटा कि आमर सब प्रचलित हो जाए बारटी सूर्य देखी थे आसिकी से विषय जानक बहुत सुंदर लगला तो धन्यवाद थैंक यू। देखु से पानी टांगी उपर के मऊ फेणा गुड़िक अच्छे तो चलतु भिडियो टी आम ये समाप्त करवा नमस्कार।